In my last lecture, I have explained chapter 2 polynomials of class 9, and today I am going to discuss with you chapter number 3 coordinate method. Before starting the basics, let's start what is coordinate. So many times you have seen such type of a figure. आपने बनाया भी होगा, देखा भी होगा. What is this? यहाँ पर दो लाइंस एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ सभी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और इंटरसेक्ट का मतलब है कि ये दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को O पॉइंट पर कट कर रही हैं. सो सिंपली डेफिनेशन आर व्हेन टू लाइंस आर म्यूचुअली perpendicular to each other and intersecting at a point O is known as the coordinate plane. अब इस coordinate plane में इसको बोलते हैं x O x dash, y O y dash. यहाँ पर जो dash है वो negative को represent कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास negative numbers आएंगे. x means positive numbers, y means positive numbers. y dash means y के negative numbers. उसके बाद हमारे पास दो axis हो गई, एक x axis and another is y axis. x axis के family member को small x से represent करते हैं. ये पूरी x axis है, this one. लेकिन अगर इसमें कोई number show कर रहे हैं, बस का member होगा, तो वो किससे represent करेंगे? Small x. और y axis के member को show करते हैं स्मॉल y. इसका अनदर नेम है एक्सिस का, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट. एंड टुगेदर दे फॉर्म कोऑर्डिनेट, इसीलिए इसका नाम बोला जाता है कोऑर्डिनेट, जहां पर हम x y के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. द नेक्स्ट इज, ये जो चार पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड हुआ है, इसको हम शो करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट हो गए? फोर क्वाड्रेंट्स. ये हमारे पास फोर क्वाड्रेंट्स हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इन फोर क्वाड्रेंट्स में आपके पास फर्दर साइन आते हैं. साइन कैसे देखते हैं? आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर वाला शो करेगा. तो यहाँ पर x भी पॉजिटिव और y भी अपसाइड जाने के कारण पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट दिस वन, यहाँ पर ये इधर x नेगेटिव शो कर रहा है x डैश, और ये y किसको शो कर रहा है? पॉजिटिव को. थर्ड क्वाड्रेंट इधर जा रहा है, तो सबसे पहले x क्या है इधर? x डैश का मतलब नेगेटिव, और ये क्या है? y डैश का मतलब ये क्या है? नेगेटिव. दिस वन इज x, x का मतलब पॉजिटिव साइन, और ये y डैश का मतलब है नेगेटिव साइन. तो जो ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स थे, तो चारों क्वाड्रेंट्स के साइन आ गए प्लस प्लस, सेकंड इज माइनस प्लस, थर्ड इज माइनस माइनस एंड द फोर्थ इज प्लस माइनस. इन चारों के साइंस के बिहाफ पर हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. लाइक क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, इन विच क्वाड्रेंट 3 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 3 एंड 2 3 लाइज. तो आपने नंबर्स क्या है वो नहीं मैटर कर रहा, जस्ट यू हैव टू सी द साइन, पॉजिटिव नेगेटिव. विच वन इज पॉजिटिव नेगेटिव? दिस वन. तो ये कौन सा जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट. नेगेटिव नेगेटिव बोथ आर नेगेटिव, कौन से में है आपके पास? थर्ड क्वाड्रेंट. नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव इज इट सेकंड क्वाड्रेंट, और दोनों पॉजिटिव किस में आते हैं आपके पास? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम फॉर द वन मार्क्स आल्सो. द नेक्स्ट टॉपिक इज पेपर में इसके बेसिस पे, इन बेसिक्स के बिहाफ पर आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन? एक्स एक्सिस. व्हाट इज द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन? दिस इज वाई एक्सिस. वेयर इज द पॉइंट? द नेम द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर. दिस इज नोन एज ओ, दैट इज ओरिजिन. ओ हम बोलते हैं, ओ स्टैंड
ओरिजिन, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो जीरो। उसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन की कब किस क्वाड्रेंट में वो क्वेश्चन लाई करते हैं, कोऑर्डिनेट लाई करते हैं, और इफ द पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस देन पॉइंट अगर आपके पास एक्स एक्सिस पर है देन इट मींस वाई विल बी जीरो एंड इफ द पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस देन इट मींस एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर? द लास्ट टॉपिक इज टू ड्रॉ कोऑर्डिनेट्स इन द टेबल इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब आपको ये नहीं चेक करना कि हमारे कोऑर्डिनेट कौन से प्लेन में जा रहे हैं, हमें चेक करना है कि हमारे -3 -2 अगेन एंड टेकिंग द सेम नंबर इनको आपने ड्रॉ करके दिखाना है। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप अपने पास दो लाइन्स लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन्स। अगेन दिस इज एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब आप इस पर काउंटिंग करिए 1 2 3 4 पॉजिटिव साइड्स एंड दिस वन इज -1 -2 -3 -4 नेगेटिव 1 2 3 4 पॉजिटिव वाई एक्सिस -1 -2 -3 and -1 दीज आर ऑन द नेगेटिव एक्सिस। द पॉइंट इज -2 -2 -3 आपको किसको शो कर रहा है, एक्स एक्सिस को। दिस वन इज -3 और -2 किसको शो कर रहा है, वाई एक्सिस को। तो ये आप तब तक नीचे लाएंगे जब तक आपका पॉइंट -3 नहीं आ जाता, देन इस पॉइंट बिकम टू -3 -2। नेक्स्ट है 2 -3। 2 का मतलब x आपने लेना है ऊपर और -3 मतलब 2 की लाइन को तब तक नीचे लाएंगे जब तक y पर आपको -3 नहीं मिल जाता एंड दिस पॉइंट बिकम 2 -3। अगेन हमेशा आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो लेना भी x एक्सिस पर है और उन्होंने दिया हुआ है -3 -2, इसका मतलब पहला पॉइंट x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा पॉइंट y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम्स। होप दीज बेसिक्स विल